हेलो बच्चों, मैं हूं आपके हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है नमक, इसे लेकर उपस्थित हूं। नमक कहानी से संबंधित कई वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड हो चुके हैं और इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज मैं नमक कहानी की मार्मिकता को लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि मार्मिकता है क्या। तो मार्मिकता का अर्थ यही कहेंगे कि जो बात आपके हृदय को छू ले उसे ही मार्मिक कहेंगे। यानी बहुत सी घटनाएं हमारे आसपास घटती है जो हमारे हृदय को छू लेती है, तो दिल छूने वाली ऐसी ही बात मार्मिक कहलाती है। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह विषय। हमेशा की तरह मैं हर बात को आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप पूरे वीडियो को देखने के बाद लिखने का अभ्यास जरूर रखें, क्योंकि जितना भी आप पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा आपको लिखना चाहिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो हर बात आपके दिमाग में क्या है, स्पष्ट होते जाती है, याद होते जाती है, या कहें वो सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो लिखना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ पढ़ लेने से आप सोचेंगे कि सब कुछ याद हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब भी कुछ पढ़ें तो उसे याद करने के बाद लिखकर अवश्य देखें ताकि आपको भी यह समझ में आएगा कि आपको कितना याद हुआ है, आप कितना लिख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ। रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित नमक कहानी मानवीय संवेदनाओं और मर्म को उजागर करती है। लेखिका ने इस सत्य को बखूबी उभारा है कि मानचित्र पर लकीर खींच भर देने से जमीन तो बट जाती है पर जनता के दिलों को नहीं बांटा जा सकता है। लोगों के दिल में अपने जगह और अपनों के प्रति प्रेम की भावना ठीक वैसे ही बरकरार रहती है जैसा जमीन के बंटवारे से पहले था। तो नमक कहानी में जिस बात को लेखिका ने स्पष्ट किया है, हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, वह यह है कि अगर किसी जमीन को बांट दिया जाए तो जमीन बंटती जरूर है, लेकिन वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके दिलों को बांटना बड़ा कठिन है। मान लीजिए आप जिस इलाके में रहते हैं, यदि उस इलाके को दो भागों में बांट दिया जाए तो पर भी वहाँ के रहने वाले लोगों के आपसी मेल पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लकीर जो होती है वह जमीन को बांटती है, दिलों को नहीं बांट सकती है। नमक कहानी इस कटु सत्य को उजागर करती है और भारत विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के लोगों का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किए जाने की सच्चाई व दर्द को अभिव्यक्त करती है। तो नमक कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भारत विभाजन के बाद क्या हुआ, कुछ कारण से हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से लोगों को भारत आना पड़ा, लेकिन ये सभी जहां पहले रहते थे उसे ही तो अपना देश मानते थे, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं वही आपका घर होता है। यदि आपको वहां से किसी कारण से निकल जाना भी पड़े तो भी आप उस जगह के प्रति अपनी प्रेम, अपनी आत्मीयता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ठीक यही स्थिति हमारे देश में रहने वाले लोग और भारत के सरहद के उस पार पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ भी था। जो लोग लाहौर से भारत आए उनके लिए लाहौर ही अपना वतन था, और जो भारत से लाहौर चले गए उनके लिए भारत ही उनका अपना वतन था। तो इस कहानी में इसी दर्द और इसी सच्चाई को उभारा गया है और उनके हृदय की यही पीड़ा, यही व्यथा हमारे हृदय को छूती है, हमारे मर्म को छूती है, और इसलिए यह कहानी मार्मिक कहानी है। कहानी की मार्मिकता आरंभ से ही दिखाई देती है। जब सफिया की मुलाकात एक सिख बीवी से होती है, बातचीत के दौरान वे यह बतलाती हैं कि भारत विभाजन से पहले वे लाहौर में रहती थी। आज भी उन्हें अपना वतन घर लाहौर बहुत याद आता है। लाहौर उनके लिए साडा लाहौर यानी अपना लाहौर है। लेखिका ने इस प्रसंग में लिखा है, फिर पलकों से कुछ सितारे टूट कर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। अर्थात लाहौर के जिक्र से सिख बीबी का हृदय रो पड़ता है और यह आंखों में आंसू के रूप में छलक पड़ता है। इसकी वजह यही है कि आज इतने वर्षों बाद भी लाहौर उसका अपना घर है, वतन है, वतन से दूरी उसके हृदय को कचोटती है। तो कहानी के आरंभ में ही यह मार्मिकता हमें दिखाई देती है।
कि सफिया की मुलाकात एक सिख बीबी से होती है और सिख बीबी भारत विभाजन के बाद लाहौर से भारत में आकर बस गई थी। लेकिन भारत में बसने पर भी उसके लिए उसका अपना घर, अपना वतन लाहौर ही था और वे लाहौर को हमेशा याद करती हैं। और लाहौर को याद करते हुए उसका हृदय क्या है, रो उठता है और उसके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये जो दर्द है अपना घर छोड़ने का, अपना वतन छोड़ने का, इसी दर्द को लेखिका ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है, बड़ी बखूबी से उभारा है। सफिया लाहौर जा रही है और वह सिख बीबी को लाहौर से क्या ला कर दे, इसके जवाब में सिख बीबी सिर्फ लाहौरी नमक की ख्वाहिश रखती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सफिया लाहौर जा रही है और वह सिख बीबी से पूछती है कि उनके लिए क्या लेकर आए, तो सिख बीबी कहती है लाहौरी नमक। नमक हर जगह पाया जाता है लेकिन सिख बीबी के लिए लाहौर का नमक कुछ खास ही है। क्यों खास है? क्योंकि लाहौर में वह कभी रहा करती थी, लाहौर उनका अपना वतन लगता है, क्योंकि लाहौर के प्रति उसकी आत्मीयता आज भी उसके हृदय में वैसे ही मौजूद है जैसे पहले हुआ करती थी। यानी ये जो अपनापन का भाव सिख बीबी के हृदय में हम देखते हैं, अपने वतन से उनका कितना अधिक लगाव है, वह यहाँ प्रकट होता है। लेखिका ने कहानी में विविध प्रसंगों में विविध पात्रों के माध्यम से इसकी मार्मिकता को उजागर किया है। जब सफिया नमक लेकर पाकिस्तान के कस्टम से गुजरती है तब पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफिया की सारी बात सुनकर नमक को इस तरह समेटकर सफिया के बैग में रख देता है कि सफिया हैरान रह जाती। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी यह बात कहता है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी भी बंटवारे से पहले दिल्ली में रहता था, यही कारण है कि वर्तमान यानी आज वह भले ही लाहौर में रहता है परंतु दिल्ली को वह अपना वतन मानता है। उसकी कही बातें काफी भावुक तथा मर्मस्पर्शी है। तो यहाँ पर देखिए हैरान करने वाली एक बात है कि सफिया नमक को लेकर जब कस्टम से गुजरती है और वह जानती है कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, इसके बावजूद पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी क्या करते हैं, नमक की पुड़िया को सफिया के बैग में रख देते हैं और ये कहते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाता है कि कानून हैरान रह जाता है। ऐसी बात वह क्यों कहते हैं? क्योंकि वे इस बात को महसूस करते हैं कि वतन छोड़ने का दर्द कैसा होता है। वे इस बात को महसूस करते हैं कि सिख बीबी के हृदय में अपने वतन को छोड़ने का कितना दर्द भरा हुआ है। वे कितनी ख्वाहिश के साथ लाहौरी नमक मंगवाना चाहती हैं और इस बात को महसूस करके ही पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो है सफिया के बैग में नमक की पुड़िया को रख देता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी इस बात को क्यों अच्छी तरह समझता है? क्योंकि विभाजन से पहले वह भी दिल्ली का रहने वाला था और आज वह कहाँ रह रहा है, लाहौर में। यानी तो वह भी आज जहां रह रहा है अपने वतन को छोड़कर, वतन के छोड़ने का दुख उसके हृदय में भी है, अपने वतन के प्रति आत्मीयता उसके हृदय में भी विराजमान है। वह कहता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। भारतीय खातून यानी सिख बीबी के लिए संदेश भेजता है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी के बातों से दिखाई देती है। वह जामा मस्जिद की सीढ़ी को सलाम कहने को कहता है, सिख बीबी के लिए संदेश भेजता है कि लाहौर आज भी उसका वतन है और दिल्ली उसका। तो उसके बातों में एक उम्मीद दिखाई देती है कि यदि लोग अपने वतन के प्रति प्रेम निभाएं, चाहे जहां भी रहे, तो क्या होगा, ये सारे विवाद एक दिन समाप्त हो जाएंगे। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी की बातों में पीड़ा कष्ट छिपा है जिसका कारण है अपने वतन, अपने जमीन से दूर जाना। यह व्यथा पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में छिपा है जिसने विभाजन के वक्त अपने वतन को बड़े ही दुख से छोड़ा, अपने वतन को याद करके आज भी उनका हृदय रोता है। इतना ही नहीं, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त भी स्वयं नमक की पुड़िया रखे सफिया के बैग को लेकर अमृतसर पुल के निचली सीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। वे भी विभाजन से पूर्व ढाका में रहते थे, ढाका ही उनका वतन है और वहां की हर वस्तु उनके लिए नायाब है।
यहाँ तक कि नारियल का पानी भी। सिर्फ पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ही नहीं, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त भी जब सारी बातों को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, सफिया के बैग को लेकर जिसमें नमक की पुड़िया रखी हुई है उसे खुद अपने हाथों से लेकर सफिया को पुल के निचले सीढ़ी तक पहुंचाते हैं। वे भी इस दर्द को समझते हैं क्योंकि उनका वतन कहाँ था, ढाका। आज वे किसी कारण से ढाका को छोड़कर भारत में रह रहे हैं, इसलिए ढाका की हर वस्तु उनके लिए नायाब है, कीमती है, अनमोल है, यहाँ तक कि नारियल पानी भी। यानी जो व्यक्ति जहां का रहने वाला होता है वहां की हर वस्तु उसे प्रिय होती है। यह बात लेखिका ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार छोटी छोटी वस्तु जैसे नमक, साथ ही नारियल पानी, यह हर देश में प्रायः पाई जाती है, परंतु हृदय से जब यह जुड़ जाती है तो यह सारी चीजें अनमोल हो जाती है। तो बहुत सारी वस्तुएं हर जगह पाई जाती है, लेकिन जो जहां के रहने वाले होते हैं उनको वही की चीज अच्छी लगती है क्योंकि वह हृदय से जुड़ी हुई चीज होती है। लेखिका ने इस प्रकार कहानी में विविध प्रसंगों की योजना करके नमक कहानी की मार्मिकता को उभारा है। अंत में सफिया सोच में पड़ जाती है कि लोग रहते कहीं हैं और उनका वतन कहीं और है, साथ ही अपने वतन के प्रति प्रेम भाव, इसे देखकर वे यही महसूस करती है कि जमीन बढ़ सकती है परंतु दिल नहीं। इस प्रकार लेखिका ने विविध प्रसंगों में विविध पात्रों के द्वारा कहानी की मार्मिकता को विशेष रूप से उभारा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित नमक शीर्षक कहानी एक मार्मिक कहानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।